भोजन की थाली में हाथ धोने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। क्या आपको भी धन संपत्ति की हानि हुई है? क्या आपके जीवन में भी मुसीबतें एक के बाद एक चली आ रही है? आपके घर का भंडार हमेशा खाली हो जाता है? किसी भोज या पार्टी में खाना कम पड़ जाता है? आपके घर में दरिद्रता का वास हो रहा है? क्या आपके लाख कोशिश करने के बाद भी जीवन में कुछ अच्छा नया नहीं हो रहा है? आप हमेशा चिंता और तनाव में घिरे रहते हैं, तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल आपके जीवन की तमाम परेशानियों का कारण है आप या आपके परिवार के लोगों द्वारा की गई एक गलती। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि भोजन की थाली में हाथ धोने वालों के जीवन में दरिद्रता आती है, लेकिन क्यों और कैसे आती है ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन की थाली में हाथ धोने वालों से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। उनकी नाराजगी से आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में दरिद्रता आती है। आपने अगर थाली में थोड़ा सा भी खाना छोड़ा है और उसमें हाथ धो लेते हैं, तो ऐसा करना आपके जीवन में आने वाले घोर संकट का संकेत देता है। दरअसल भोजन की थाली में हाथ धोना या खाना छोड़ना आपके पूरे परिवार पे बहुत भारी पड़ सकता है। आप सोचते होंगे ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी मानते बहुत कम लोग हैं। कितने लोग तो थाली में हाथ धोने को अपनी श्रेष्ठता और अपने बड़प्पन से जोड़कर देखते हैं। उन्हें खाना खाने के बाद उठकर हाथ धोने में अपनी बेइज्जती महसूस होती है। ये वीडियो वैसे ही लोगों के लिए है। थाली में हाथ ना धोने की साफ साफ वजह हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों में अग्नि को मुख्य देवता माना गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यज्ञ में अर्पित की जाने वाली प्रत्येक सामग्री देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होती है, इसीलिए भोजन का विशेष महत्व माना गया है। वो भोजन चाहे यज्ञ में अर्पित हो या थाली में रखा हुआ हो, उसका अनादर करना महापाप की श्रेणी में आता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। गुरुजी कहते हैं कि थाली में हाथ धोने के अलावा भी हम जाने अनजाने में अन्न का अपमान कर बैठते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आप जब भी खाना खाने बैठे तो थाली को कभी भी हाथ पे ना पकड़े। थाली हमेशा किसी पाटे या चटाई या टेबल पे रखकर ही भोजन करें, क्योंकि मान्यता अनुसार हाथ में थाली पकड़कर खाना खाने से वो खाना आपकी बॉडी के लोअर पोर्शन में चले जाता है, जो कि अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना खाते समय सही दिशा में बैठकर खाना खाने को शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ फल देता है और घर में नेगेटिव एनर्जी भी आती है। आप हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करें तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका मन और तन दोनों प्रसन्न रहते हैं। खाना खाते समय आप सबसे पहले एक निवाला निकाल कर साफ अलग रख दें और खाना खाने के बाद उसे आप पक्षियों को खिला दें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और अन्नपूर्णा माँ के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। थाली में जूठन छोड़ना भी अशुभ फल देता है। थाली में जूठन छोड़ने से और हाथ धोने से आपको धन संपत्ति की हानि होती है। आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, घर में कलेश पैदा होता है। माँ अन्नपूर्णा की नाराजगी से आपके घर में हमेशा अन्न और धन की कमी होती है और किसी भी पार्टी या भोज में खाना जरूर कम पड़ता है। इसीलिए माँ अन्नपूर्णा का कभी भी अपमान ना करें, तभी आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसते रहेगी और बरकत आएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि भोजन ग्रहण करने से पहले आप ईश्वर का ध्यान करें, उन्हें अपने सामने रखे भोजन के लिए धन्यवाद करें, उसके बाद ही भोजन करना आपकी सेहत और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। आप जब भी खाना खाएं तो जल्दबाजी में खाना ना खाएं, खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं और खाने के एक घंटे बाद ही आप पानी पिएं, तो आपको अपने पेट के रोगों से जल्दी ही मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, थाली में हाथ धोने से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।